हिमाचल में सरकार के उजाले में ग्रहण बने मुकेश अग्निहोत्री रात के अंधेरे में ही चमक गए हैं। दरअसल 22 अगस्त की रात को अचानक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए अग्निहोत्री को नेता विपक्ष का दर्जा दे दिया है, जबकि 23 की सुबह को ही मानसून सत्र शुरू होना था। आखिर क्या वजह रही होगी कि सरकार के रास्ते में अंधेरा कायम रखने और कांटे बिछाने वाले मुकेश के लिए सरकार ने मखमली कालीन बिछा दी। ये वही सरकार थी जिसने अपने पहले ही सत्र में ये ऐलान कर दिया था कि वो कांग्रेस के विधायक दल के नेता को नेता विपक्ष का दर्जा देने से पहले उनका आचार व्यवहार परखेगी। लेकिन अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर वो कौन से मानक रहे होंगे जिन पर मुकेश खरा उतरे। क्या ऐसी सियासी खूबियां मुकेश में सरकार को नजर आ गई जो उसको बहुत पसंद आई और तोहफा थमा दिया, जबकि अकेले अग्निहोत्री ने सरकार को सियासी धुआं देने में कोई कमी नहीं रखी हुई थी। दरअसल सदन या सदन से बाहर मुकेश के निशाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमेशा रहते थे। सियासी माहिर ये मान रहे हैं कि अब अगर विधानसभा में मुकेश के तेवर नरम पड़े तो ये सुखद एहसास मुख्यमंत्री को भी होगा। जी का जो है शोक चल रहा है और विधानसभा में भी आज उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने हैं, तो पक्ष और विपक्ष में इस बात पे सहमति हो गई है कि आज जो है ऑब्विचुअल रेफरेंस के बाद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आज विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी जाए। कल से मुद्दों की बात है, कल से लगातार, क्योंकि छोटा सत्र है, मुद्दे अधिक हैं और हमारे पूरे 21 मेंबर जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं और उसकी चर्चा भी हो गई, खाका भी तैयार हो गया है, तो विधिवत जो है कल से विधानसभा शुरू होगी और काफ़ी प्रस्ताव, बहुत क्वेश्चन लगे हैं, 500 के आसपास तो क्वेश्चन ही लगे हैं और उसके बाद डिस्कशंस काफ़ी लगी हैं और कुछ हमारे कंसर्न हैं वो सारे कल से उठने शुरू हो जाएंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इस तरह से अगर मुकेश की बात की जाए तो ये जनाब एक बार फिर खुद को साबित करने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले मुकेश को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने में सबका सहयोग मिला, मगर विधायक दल का नेता बनने के बाद से ही कोई ऐसा हमला खुद को जोड़कर सरकार पर नहीं किया जिससे ये संदेश कांग्रेस या जनता के बीच में जाता कि वो नेता विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए आतुर हैं। सरकार ने जितना अरसा अग्निहोत्री को दर्जा देने में लगाया उतने ही अरसे में मुकेश ने खुद को वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल की ही तरह नेता विपक्ष की कदकाठी बनाने में इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि राजा और धूमल की बतौर नेता विपक्ष भी बहुत बड़ी छवि और दायरा रहा हुआ है। अब मुकेश की ओर से ये साबित खुद सरकार ने कर दिया है कि उनका दायरा इस पद के लायक है। रही बात मुकेश अग्निहोत्री की, तो अब असल परीक्षा उनकी इसी मानसून सत्र में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB News।